टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 का मुकाबला शुरू हो चुका है दोस्तों। साउथ अफ्रीका ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है यूएसए से। साउथ अफ्रीका आज जीती है, साउथ अफ्रीका आज हारी है। इंडियन वुमेन्स टीम साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम पर आज पड़ी भारी है। साउथ अफ्रीका मेन्स टीम यूएसए पर पड़ी भारी है। जी हाँ, आज साउथ अफ्रीका की दो टीमें मुकाबला खेली है, कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका मेन्स टीम टी20 वर्ल्ड कप खेल रही है और साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम इंडियन वुमेन्स टीम से बेंगलोर में 50 ओवर का गेम वनडे गेम खेल रही है। लगातार दूसरा मुकाबला इंडिया ने जीत लिया है और साउथ अफ्रीका को दो मुकाबले हरा दिए हैं, और दोनों मुकाबले मेन्स टीम का भी मुकाबला हो या वुमेन्स टीम का भी मुकाबला हो, दोनों मुकाबले बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रोमांच आया था। यूएसए की टीम को कोई भी टीम कमज़ोर समझने का गलती बिल्कुल ही नहीं कर सकती है, और ये बात सबसे ज़्यादा खल रही होगी पाकिस्तान को, जो उनको छोटा टीम समझ ली थी और यूएसए टीम पाकिस्तान को छांट करके रावलपिंडी एक्सप्रेस धरा दी है, लाहौर भेज दी है, कराची भेज दी है पाकिस्तान को, और फिर आज अफ्रीका हारते हारते आज जीती है यूएसए की टीम से। खराब क्रिकेट बिल्कुल ही नहीं खेली है, वो थोड़ा सा जो प्रेशर होता है ना अंतिम का, वो नहीं झेल पाई है। 4 ओवर में 60 रन बनाने थे, 3 ओवर में 50 रन बनाने थे साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के खिलाफ, और आसानी से बना लेती टीम। 2 ओवर में मात्र 28 रन बच गए थे। 18वां ओवर तबरेज शमसी लेकर के आए हैं और उनको 22 रन पड़े हैं, 3 छक्के दिए हैं। गौस ने साउथ अफ्रीका की गैस निकाल दिया था। हाँ, हरमीत सिंह और गौस ने साउथ अफ्रीका को गैस निकाल दिया था। लग रहा था एक समय कि साउथ अफ्रीका हार जाएगी मुकाबला, आसानी से जीत जाएगी, लेकिन वही लास्ट में जो रवाडा का जो ओवर 19वां ओवर हुआ है ना, उसी में मैच पलट गया है। हरमीत सिंह को उसी ओवर में आउट कर दिया गया है, और हरमीत सिंह जब आउट हुए हैं तो उसके बाद गौस को स्ट्राइक ही नहीं मिल पाया है उस ओवर में, और स्ट्राइक नहीं मिलने के कारण उस ओवर में मात्र 2 रन बने हैं, और 2 ओवर में 28 रन लेना था, तो उस ओवर में 2 रन बने हैं तो मतलब अंतिम ओवर में 26 रन बच जाता है, तो 26 रन नामुमकिन ही है। अगर कोई भी बल्लेबाज हो, कोई भी गेंदबाज हो, 26 रन नहीं बनते हैं, वो भले महेंद्र सिंह धोनी है तो वो अलग चीज़ है। कुल मिलाकर के पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने 194 रन बनाई थी, और आज देखने को मिला कि हाँ, आज से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, रन बने हैं, नहीं तो वो न्यूयॉर्क के ग्राउंड पर तो 110, 105, 100 से ज़्यादा रन ही नहीं बन रहे थे, लेकिन यहाँ रन बने हैं, 194 रन बने हैं, और बैटिंग के लिए बहुत ही लाजवाब पिच थी, स्पिनर को थोड़ा बहुत मदद था, लेकिन फिर भी 194 रन बने हैं। यूएसए की बल्लेबाजी, जब यूएसए की टीम जब बल्लेबाजी करने आती है तो पावर प्ले उनका काफ़ी अच्छा रहता है, अच्छा खेलते रहते हैं, लेकिन विकेट हर अंतराल पर जल्दी जल्दी गिर जाने के बाद उन लड़खड़ा सी जाती है। 10 ओवर में लड़खड़ा देते हुए ऐसा लगता है कि आसानी से बहुत बुरी तरीके से यूएसए की टीम हार जाएगी, लेकिन जब गौस और हरमीत सिंह के बीच 85 रनों का जो पार्टनरशिप होता है, वो मैच में फिर से रोमांच ला करके पैदा कर देता है, और 4 ओवर में लास्ट में 60 रन लेना रहता है, फिर भी लगता है कि रवाडा का ओवर है, नोकिया का ओवर है, तो नोकिया के ओवर में भी 19 रन पड़ते हैं, और शमसी के ओवर में 22 रन, तो उसके बाद 42-40 रन 2 ओवर में पड़ने के बाद लास्ट 2 ओवर में मात्र 28 रन लेना रह जाता है। वहाँ से लगता है कि दोनों बैट्समैन आसानी से बना देंगे, लेकिन रवाडा के जो 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट हासिल किए हैं ना, एक्सपीरियंस पूरा झोंके हैं रवाडा अपना, तब जाके साउथ अफ्रीका मुकाबला जीत पाई है, और आज का मैन ऑफ द मैच किशोर रवाडा ही होंगे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी अगर नहीं होती ना तो शायद साउथ अफ्रीका आज मुकाबला नहीं जीत पाती। अगर इंडियन वुमेन्स टीम की बात कीजिएगा तो काफ़ी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। फिर से आज स्मृति मंधाना बैक टू बैक शतक मारी है, पिछले मुकाबले में भी शतक मारी थी और आज फिर से शतक मारी है। 136 रनों की पारी स्मृति मंधाना खेली। एक और बैट्समैन हरमनप्रीत कौर भी शतक मारी है। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम के तरफ से भी 2 शतक आए हैं, मारिजन काप का शतक देखने को मिला है और लौरा बुडवाल्ड का भी शतक देखने को मिला है, लेकिन लास्ट ओवर में 11 रन लेना था उस मुकाबले को जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को, और उस समय पूजा बस्तरकर बॉलिंग कर रही थी, पहली बॉल पर सिंगल, दूसरे बॉल पर चौका और तीसरे और चौथे गेंद पर लगातार विकेट लेकर के लास्ट के 2 बॉल पर 6 रन जब बचता है साउथ अफ्रीका को तो नहीं बन पाता है साउथ अफ्रीका से, और मुकाबला जीत लेती है भारतीय टीम वुमेन्स टीम, क्योंकि बेंगलोर में मैच था, 325 रन बनाई थी, तो बेंगलोर के ग्राउंड तो सबको पता है कि बल्लेबाजी के लिए माना जाता है बेंगलोर का ग्राउंड, और 325 रन चेस होने वाले थे। हालांकि कितना भी बल्लेबाजी ग्राउंड है, अगर लेडीज टीम की अगर आप बात कीजिएगा तो 325 रन बहुत पहाड़ जैसा स्कोर होता है, और उस स्कोर को भी चेस करने के लिए तैयार थी साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को चेस नहीं कर पाई है और मात्र 4 रनों से साउथ अफ्रीका इस मुकाबले। तो आज दो दो टीम साउथ अफ्रीका के खेली है, एक टीम जीती है, एक टीम हारी है। वुमेन्स टीम साउथ अफ्रीका की हार गई है, मेंस टीम जीत गई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी था कि सुपर 8 के पहला मुकाबला था और वहाँ पर साउथ अफ्रीका जीती है, अगर एक मैच और जीत जाती है अपने ग्रुप में तो शायद सेमीफाइनल का रास्ता तय कर पाएगी साउथ अफ्रीका। देखना है
अगला मैच उनका वेस्ट इंडीज से है और एक मैच उनका होगा इंग्लैंड से। तो दोनों मुकाबले में से अगर एक भी मुकाबले जीतती है तो ज़्यादातर चांस बनेगा कि वो सेमीफाइनल में जाने का उनका चांस बन जाएगा। और भारत का मुकाबला कल अफगानिस्तान से है। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सी टीम कल जीतेगी। अफगानिस्तान टीम को भी कोई भी टीम हल्के में आंकने का प्रयास नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास भी अच्छे अच्छे गेंदबाज है, अच्छे अच्छे बल्लेबाज है और स्पिनर तो उनका लाजवाब ही है। तो किसी भी टीम को आप छोटा नहीं आंक सकते हैं। पाकिस्तान छोटा आंका था, इसीलिए पाकिस्तान अभी घर पर है यूएसए को। अगर यूएसए से वो मुकाबला जीत ली रहती, सुपर ओवर में भी जीत लिए रहते, तो आज पाकिस्तान सुपर 8 में होता। वेल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।